आज की ये वीडियो में मैं आपको जो डाउट सॉल्विंग लेक्चर है उसके लिए हम जो गूगल मीट एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं उसकी पूरी गाइडेंस मैं इस वीडियो में आप सबको दूंगा। जो पेरेंट्स डायरेक्टली स्कूल पर टीचर्स से मिलके गए हैं उनको ये ट्रेनिंग दी गई है, पर कोई पेरेंट्स किसी भी कारणवश अगर स्कूल नहीं आ पाए हैं उनके लिए ये गाइडेंस वीडियो हम बना रहे हैं। सबसे पहले तो 16 जुलाई 2020 से डाउट सॉल्विंग लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं, जिसका टाइम टेबल आप सबको हमारी वेदांत स्कूल की पुरानी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। अगर किसी को ये पुरानी एप्लीकेशन नहीं पता है तो यहाँ पे आपको वीडियो में जो फोटो दिख रहा है वैसे ही आपको प्ले स्टोर में जाके वेदांत इंटरनेशनल स्कूल की ये वाली एप्लीकेशन आप सबको डाउनलोड कर लेनी है। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे आपको उसे ओपन करना है, वहाँ पर आपको नीचे टाइम टेबल का मॉड्यूल दिख रहा होगा, अब उस पर क्लिक करोगे तो आपको टाइम टेबल आप सबको मिल जाएगा। वहां से आप टाइम टेबल देख के अपना डाउट सॉल्विंग लेक्चर जिस भी दिन हो उसके एक दिन पहले गूगल मीट की लिंक जो हम आप सबको भेजेंगे वो आप सबको वहां पे जाना है। उस लिंक आपको कहाँ पे मिलेगी तो आपको वेदांत ऐप में ही नीचे नोटिस मॉड्यूल होगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको उसी के अंदर एक बार क्लिक करना है। एग्जांपल के लिए अगर आपका लेक्चर कल मॉर्निंग में 10 बजे है तो 10 बजे ही आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे कि एक आपको यहाँ पे वीडियो में लिंक दिख रही है वैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे गूगल मीट ओपन हो जाएगा और वहाँ से आपको ज्वाइनिंग का ऑप्शन आ जाएगा, आप सबको वहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। आप जैसे ही ज्वाइन करोगे वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा आस्क टू ज्वाइन, तो आप सबको आस्क टू ज्वाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आस्क टू ज्वाइन पे क्लिक करोगे हमारे टीचर्स को आपका ऑप्शन मिल जाएगा और हमारे टीचर्स आपको एडमिट करके क्लास के अंदर अलाउ कर देंगे। जैसे ही आप क्लास के अंदर आते हैं तुरंत ही आप सबको ऑडियो एंड वीडियो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है दोनों के दोनों ही बंद कर देना है कंपलसरी। जैसे कि आपको दोनों बंद कर दोगे आपको यहाँ पे जैसे दिख रहा है वैसे रेड कलर में आपको वो दिखेगा। ये कंपलसरी है सबको बंद करना, इसलिए कंपलसरी है क्योंकि अगर सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे तो ना बच्चों को टीचर की आवाज़ सुनाई देगी ना टीचर को बच्चों की आवाज़ सुनाई देगी। इसके लिए स्ट्रिक्टली ये इन्फॉर्मेशन आप सबको फॉलो करनी है, आप सबको अपना ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही बंद रखना है। अब बात आती है कि स्टूडेंट्स यहाँ से टीचर से क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बाजू में आप सबको मैसेज का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे ही आप मैसेज पे क्लिक करोगे आप अपना नीचे मैसेज टाइप कर सकते हो, बच्चे को अपने नाम के साथ अपना क्वेश्चन, मान लो कि बच्चा अपना नाम टाइप करने के साथ ऐसा लिख सकता है कि मैम आई हैव अ डाउट, तो वहाँ पे वो सेंड करेगा तो उसके टीचर उसका नाम बोलेंगे। जैसे उसका नाम बोले तब उसको अपना ऑडियो स्टार्ट करना है, अपना क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन पूछ लेने के बाद फिर से अपना ऑडियो बंद कर देना है, उसके टीचर उसके क्वेश्चन का आंसर देगी। आपको जितने भी बार क्वेश्चन हो आप मैसेज में टाइप करके पहले पूछिएगा, उसके बाद जब भी आपके टीचर्स आपको बोले फिर आप अपना ऑडियो स्टार्ट कीजिएगा और अपना मैसेज कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके से गूगल मीट में हम सब आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।